अच्छा अभी हम इनसे मोहित जी से हम पूछते हैं, आपका इस मामले में क्या है, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा है कि आपकी आपके पिताजी की तो काफी पहले डेथ हो चुकी थी, है ना, और आप बच्चे छोटे थे उस वक्त, तो आपको एजुकेशन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपकी माताजी जो है इनके साथ जुड़ी हुई थी, इनके साथ चंद्रकांत भोजन जी के साथ, है ना, सारेस कंपनी में जुड़े हुए थे, तो आपकी माताजी ने उनसे कुछ पूछताछ करी या कुछ पूछा, यानी एक जैसे एक सलाह लेते हैं कि ये तो मतलब पैसे कमा रहे हैं, कोई भी अनुभवी लोग होंगे, है ना, तो हम इनसे सलाह लें जिससे क्या बोलते हमारे बच्चों को कुछ अच्छा भविष्य हो जाए, इस हिसाब से आपकी माताजी ने इन्हीं चंद्रकांत भोजनी जी से बातचीत की, बराबर, और उन्होंने आपके माताजी को कुछ ऐसी चीजें बोली और जिसमें आपकी द्वारा 2 लाख रुपए या कितना रुपए उनको देना ये हुआ, जिसके अंदर में शायद ये चीज, ये पूरा जरा आप बताइए क्या था, पूरा अच्छे से बोलिए, एक्सप्लेन कीजिए सबके सामने। जब मैं नवीं कक्षा में था तो पढ़ाई में थोड़ा वीक था, मतलब 9th क्लास में थे आपकी, पढ़ाई में वीक था, तो फिर इन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी जो लीडरशिप डेवलपमेंट होती है, जो 2 दिन की मीटिंग थी वसई में, वहाँ पर इन्होंने मीटिंग रखी थी और मुझे कहा गया था कि अगर पढ़ाई में फ्यूचर नहीं है तो आप एक हम मार्गदर्शन करेंगे आपको, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करने वाले हम, जो ट्रेन द ट्रेनर, ट्रेनर जो आज फील्ड में आप देखते हो, मोटिवेशनल ट्रेनर हो, सेल्स ट्रेनर हो, वो आपको बनाएंगे, ऐसा उन्होंने मुझे कहा और मेरी माँ को कन्विंस किया, मेरी माता जी को, और कन्विंस करने के बाद उन्होंने हमसे 2 लाख रुपए लिए, और 2 लाख रुपए लेने के बाद जो ट्रेनर थे, जो भी ट्रेनर, योगिता रसम मैम या फिर राकेश तिलक हो, आपने ये एफिडेविट दिया है आप लोगों ने, उस एफिडेविट के अंदर आपने पूरी जानकारी दी है ना, इसमें सब कुछ है, ट्रेनर का नाम भी है, ट्रेनर का नाम वगैरह सब डाला हुआ है ना, तो इसके अंदर जो ट्रेनर थे वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने भी काम नहीं किए, 1 महीने भी उन्होंने काम नहीं किया, अपना काम नहीं किया, यह मयूरेश रोहिदास का एफिडेविट है जो शपथ पत्र है, इसमें पूरी स्टोरी लिखी है, इंटरनेट पर हमने वहां पर रखी है पूरे अपने इसके साथ, इसके अंदर सब कुछ लिखा है कि किसने क्या क्या किया है, है ना, तो हम इसमें शॉर्ट में हम इसे खाली पूछ रहे हैं ताकि समझ में आए क्या है, तो मतलब कुछ लोगों ने आपको ये मतलब वहां पर आपसे पैसा ले लिया 2 लाख रुपए, और वहां पर ट्रेनिंग के नाम पर कुछ लोग आए, एक दो आपने, तो कितने दिन लगभग आए थे वो लोग, आपने ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है 1 महीना का जो ट्रेनिंग हुआ उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं, और ट्रेनिंग 1 महीने का हुआ उसमें भी सैटरडे संडे सिर्फ ट्रेनिंग था, ऐसा गिना जाए तो बहुत ही कम ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग का टाइम दिया गया, और ऊपर से जो 2 लाख रुपए भरे थे वो मेरी माँ ने अपने रूम लोन पे निकाल दिए, मतलब रूम का जो कर्जा लेके वो कर्जे का रेट भी बढ़ गया और 2 लाख रुपए जो थे कुछ काम में नहीं, वो उधर चले गए। हाँ, मतलब ये जो 2 लाख रुपए और जो ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग कितने दिन की थी? ट्रेनिंग ये बोला गया था 1 से 1.5 साल की होगी। हाँ, क्योंकि नहीं हुई, जो नहीं हुई, मतलब ये हुआ कि इनकी माताजी जो एक तरीके से विधवा हो गई थी, बच्चे के भविष्य के लिए उन्होंने उनके ऊपर भरोसा करा, इनके चंद्रकांत भोजनी जी के ऊपर भरोसा किया, और इनके कहने पर कि हम 1.5 साल की कुछ ट्रेनिंग देंगे जिसके बेस पर ये लड़का चलते एक वो हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपने मजबूत हो जाएगा, और ये अपना पढ़ाई लिखाई जो भी है अपना आगे का काम कर सकता है, कमाई का काम कर सकता है, जिसमें वो, क्योंकि आपकी माताजी मतलब इतनी समझदार नहीं थी, तो उन्होंने उनके ऊपर भरोसा किया और अपना मकान को गिरवी रख के 2 लाख रुपए उनको चंद्रकांत भोजनी जी को दिए, मतलब इनको 2 लाख रुपए दिए और ट्रेनिंग के नाम पर 1 महीना इनका खाली चला, एक महीने में ही ये ट्रेनिंग खत्म कर दी गई, आगे कुछ भी नहीं किया गया, परिणाम इनका 2 लाख रुपया एक तरीके से डूब गया, और इसको अगर देखा जाए तो इन्होंने फर्जीवाड़ा करके, गुमराह करके, इनके साथ 400 किसी की इनकी एक विधवा माँ के साथ, मतलब उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनका 2 लाख रुपए हड़प लिया, और वो 2 लाख रुपए फिर आपने जब देखा कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, ट्रेनिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा,
तो वो 2 लाख रुपए आपने मांगा? मांगने गए थे, मतलब आप लोगों ने 2 लाख रुपए उनसे मांगने की कोशिश की। कोशिश की, फिर क्या हुआ? फिर आपको मैंने ऑडियो भी सुनाया होगा, उस ऑडियो में उन्होंने बताया, इन्होंने एक आइडियो भी दिया है जो जिस टाइम करते यानी आप 2 लाख रुपए मांगने गए थे, उस टाइम का मैंने प्रॉपर एक ऑडियो बनाया, वो फाइल अभी आपके पास है, बराबर हमारे नेट पर हम रख रहे हैं, वो नेट पर मौजूद रहेगी। तो फिर उसमें बातचीत हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा गया था आपको अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है, 15 से 20 हजार रुपए आपको सैलरी किधर भी मिल सकती है, और ऐसे वैसे पॉइंट्स बताए। तो उस टाइम हमारी वो ट्रेनिंग के बाद की बात, ट्रेनिंग तो पूरी हुई नहीं, हुई नहीं, ट्रेनिंग के बाद इनको 15 से 20 हजार मिल सकता था, लेकिन ट्रेनिंग हुई नहीं है, और उससे पहले ही कहते ये ट्रेनिंग खत्म हो गई, तो आप अपना पैसा मांगने गए, तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा? उस वक्त मुझे नौकरी पे रखा गया क्योंकि हमारी हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा, मतलब ये हुआ कि इनके पैसा मांगने गए तो इनको रोकने के लिए, मतलब ये कहीं एफआईआर तुरंत एफआईआर ना कर दें, तुरंत उनके खिलाफ एक्शन ना ले लें, तो इनको रोकने के लिए इनको वो कर दिया, कहते इनको कहा कि हम आपको एक नौकरी देते हैं, पार्ट टाइम में आपको नौकरी दी जाएगी, मतलब ये चीज बोली गई है ना। आगे बोलिए क्या, हम क्या बोला? 10 हजार रुपए मुझे पर महीना ऐसा वेतन दिया, 10 हजार रुपया, और मुझे कहा गया था 4 से 10 बजे आपकी ड्यूटी रहेगी, जो 4 बजे चालू होगी 10 बजे होगी, और अभी आप अगर मेरा व्हाट्सएप चेक करोगे तो व्हाट्सएप पे मैसेज दिया गया है कि 6 से 9 बजे तक आपकी ड्यूटी थी, इसका मतलब 4 से 10 घंटा, मतलब 4 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं नौकरी करता था, और अभी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आपको सिर्फ 3 घंटे का पेमेंट दिया गया है, जो आपको मैंने प्रूफ दे दिया है व्हाट्सएप पे। मतलब ये समझ लीजिए कि इनको एक तो चलते 2 लाख रुपए इनको नहीं दिया गया, वो 2 लाख रुपए इनको इनसे ये मांगे ना उनसे, और एफआईआर ना करे उनके ऊपर, इसके लिए इनको नौकरी पर रखा, नौकरी पर उसमें भी जब नौकरी पर रखा 10 हजार रुपए महीना देंगे तो 4 बजे से 10 बजे तक की सर्विस का समय दिया था, लेकिन कानूनन उन्होंने वहां पर जो मेंशन किया है 6 से 9 का भी मेंशन किया, जो इन्होंने व्हाट्सएप कर उन्होंने मैसेज भेज करके अभी अभी आपको ये चीज दी है, मतलब 3 घंटे की जगह इन्होंने 6 घंटे सर्विस करवाई आपसे, 6 घंटे हो गए है ना, 6 घंटे की सर्विस इनसे करवाई गई और पेमेंट 10 हजार रुपए महीना दिया, ये स्थिति है इनकी। और पेमेंट जो 2 लाख रुपए है आपका, जो वो 2 लाख रुपए आज तक मिला कि नहीं मिला, उस मामले में वो क्या कहते हैं? उस मामले में उन्होंने अभी तक बात ही नहीं की है, उस मामले में बाद में लॉकडाउन हुआ, और मतलब मैं मांगने ही वाला था तब अचानक से लॉकडाउन हो गया, और बाकी सब आपको तो पता है इन दोनों के साथ कैसे हुआ। मुझे पेमेंट चालू था, लास्ट पेमेंट मेरा दिसंबर का है, बट इन दोनों का ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे आगे जाके फ्यूचर में यहाँ से पैसे या फिर मेरा यहाँ पे फ्यूचर है, तो फिर मैंने आपके पास आया, जो एनजीओ के साथ आपके साथ मैं जुड़ गया। मतलब ये हुआ कि ये जब लॉकडाउन शुरू हुआ, कोरोना का ये सब हुआ, इनसे इन्होंने 2 लाख रुपए जो इनको लेने चाहिए, जो इनको मिलने चाहिए थे, वो उन्होंने अपने आप दे देना चाहिए था, वो नहीं दिया, और अभी जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो भी इनकी उस टाइम भी नहीं दिया, लेकिन ये उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना डाले इसके लिए इनको कुछ सैलरी का पेमेंट और कुछ काम करवाते रहे, है ना, और कितने 6-7 हजार रुपए महीना देते रहे, है ना, 5-6 हजार रुपए महीना देते रहे, ताकि ये उनके ऊपर कोई एफआईआर ना करे या किसी प्रकार वो ना करे। लेकिन ये खेल कब तक चलेगा? ये जब इनको कहा गया था कि 2 लाख रुपए आप दीजिए, हम आपको ऐसी ट्रेनिंग देंगे जिससे आप 15 से 20 हजार रुपए कमाएंगे, लेकिन वहां पर धोखाधड़ी करके 2 लाख तो ले लिया गया, ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसा धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति, अगर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ऐसे जाने कितने लोगों के साथ खेल खेलेगा। ये सब तो खेल, मतलब ये हुआ है आप लोगों के साथ, और पेमेंट नहीं दिया गया, तो इस मामले में अभी आप लोगों की तरफ से हम लोगों के पास आए, तो हम लोगों ने कंप्लेंट भेजी है सभी डिपार्टमेंट में, पीएमओ को, ईडी को, सब जगह। क्यों? क्योंकि खाली आपके साथ नहीं है, आप लोगों ने जो हमें जानकारी दी वो जानकारी के हिसाब से ये नजर आ रहा है कि जो आप लोग काम करते थे वो काम एक ट्विंकल कंपनी और साइट्रस कंपनी, उसके लिए भी वो लोग कर रहे थे, है ना, और उन लोगों के ट्विंकल के कितने ही मतलब लोगों को धोखा देकर उनका पैसा लूटा है, ये चीजें हमारी नजर में आई है इनके साथ। तो इसके लिए इनके कार्टून भी हम लोगों ने बनाए, हम लोग है ना इस मामले में संविधान का अनुच्छेद 41A, इसके अंदर वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाए इंसाफ लेने के लिए, उसका इस्तेमाल करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है? किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक विचार हो, तकनीकी हो, या कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या इस टाइप के टेक्निकल चीजों का इस्तेमाल करें जिससे इंसाफ मिल सके।
तो हम लोगों ने इसमें कार्टून बनाकर उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कार्टून से ये पूरी तरह प्रमाणित है कि कार्टून क्या कहता है, एक बच्चे को भी जल्दी से समझा सकता है, कार्टून के जरिए एक बच्चा भी जल्दी समझ सकता है। तो इसलिए हम लोग कार्टून बना करके ऐसे लोगों के बारे में जानकारियां देते हैं जिससे एक ही पेज में पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ जाए हर एक किसी को। जैसे यहां पर हमने साफ साफ लिखा है कि मैं कानून को ठोकर पर रखता हूं, जैसे भोजने बोल रहे हैं, मैं कानून को ठोकर पर रखता हूं, संवैधानिक नियमों की अवहेलना करना मेरी आदत है, मैं कर्मचारियों को गुलाम बनाकर रखता हूं और बिना ओवरटाइम दिए उनसे गुलामों के समान काम करवाता हूं, ऐसे कर्मचारियों को भिखारी कहना मेरा शौक है। मतलब ये जो कुछ चीजें हैं ये पूरे इसमें है जो इंटरनेट पर हमने रख रहे हैं कंप्लीट, तो वहां पर आपको सारी जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से कार्टून बनाए, और ये पूरे प्रूफ और सबूतों के साथ है ये हर एक चीज। और ये तब तक, ये पूरा मामला तब तक उठता रहेगा जब तक कि इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। अभी इसमें हमें कई चीजें सामने आई है कि इन लोगों ने पूरा ये भी दिए हैं, पुरावे भी दिए हैं कि कई कंपनियों का, मतलब इन्होंने अपने इनके उसमें 200 करोड़ रुपए की ये संपत्ति इनके पास है मौजूद, 200 करोड़ रुपए की संपत्ति। ये देखिए, ये जगह जगह है, ये सब इंटरनेट पर हम लोग रख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रॉपर्टी फॉर डिटेल चंदकर भोजने की, और ये करोड़ों रुपए की इसमें डिटेल, यहाँ की उस टाइम की डिटेल दी गई है, पुरानी डिटेल है ये, मतलब इसकी कीमत की आज की कीमत इनकी कई गुना ज्यादा होगी। ये संपत्ति इसकी नहीं है, ये संपत्ति इन्होंने लूटी है, चंद्रकांत भोजने ने लूटी है लोगों की, और इसके लिए हम चाहेंगे कि उन लोगों को भी इंसाफ मिले जिन लोगों का इन्होंने लूटा है, चाहे वो ट्विंकल वाले हो या साइटेक्स, है ना, ये दोनों कंपनियों के जो जिन लोगों को, मतलब ग्राहकों को जिनको फंसा करके इन लोगों ने एक तरीके से पैसा उनका लूटा है, उस चीज के लिए इसके पीछे एक बार शायद आप लोगों ने बताया था, इसमें लिखा है कि कहीं पर उरन में किसी जगह पे गए थे और वहां पर कहते इनको घेर लिया गया था, है ना, ये क्या है, ये क्या मामला है? मिलन में एक मीटिंग था, उरन गांव जहां आदिवासी कोली लोग थे, उधर उनको मीटिंग में बुलाया था, मैं भी उनमें भोजने साहब भी थे, और भी ये पहले बात तो ये मीटिंग में बुलाया क्यों था, उधर उनके जो सीनियर दो एजेंट थे गांव वालों ने उनको पकड़ के किसी घर के अंदर बंद करके रखा। अच्छा, मतलब ये देखिए, ट्विंकल कंपनी के जरिए जो इन्होंने 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है, और साइटेस इन कंपनियों के जरिए जो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है, या ऐसे और भी है, ये खाली भोजने तो एक ही है, ऐसे कम से कम कई लोग हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी बना के रखी हुई है, तो इनमें से ये लोगों में से दो एजेंट लोगों को क्योंकि लूट रहे थे ये चीजें मालूम पड़ गई उरन वालों को, है ना, इसलिए उनको तो दो एजेंटों को पकड़ लिया था उरन के गांव वालों ने, है ना, और एक कमरे में बंद करके रखा था, जिसकी वजह से चलते भोजने और उनके साथ के और भी इन्हीं जैसे लोग कमेटी में सब तो वहां गए थे, ये सब लोग वहां पर गए थे, आप भी उसमें शामिल थे, वहां गए थे, मैं भी उनके साथ में था, मतलब हाँ उनके सहयोगी के रूप में, मतलब कर्मचारी के रूप में एक तरीके से गए थे आप, है ना, तभी उनको उधर गांव में मीटिंग में बुलाया पहाड़ के ऊपर, बुलाया उस टाइम उनको ऐसा जमीन पर बिठाया मिट्टी में, इन लोगों को भोजने वगैरह को जमीन पर बिठा है, उसमें जो एक महादेव साहब थे तो बात कर रहे थे, और उन लोग में से ज्यादा करके महिलाएं थी, तो महिला के साथ वो बात करते टाइम वो कुछ ऐसे बात किए जो महिला को बहुत गुस्सा आया, तभी उन्होंने उनको ऊपर सीधा बोल दिया कि आप ज़्यादा हंसेंगे तो आपका दांत तोड़ दिया जाएगा, एक तो हमारा पैसा आपने लूटा है ऊपर से हंस रहे हो, और ये लोग इनके जितने भी एजेंट थे उनके सबके गाड़ी की चाबी निकाल दी गाँव के लोग, और उनको बोला जब तक हमारा पैसा यहाँ मिलता नहीं तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा रात को 10-11 बजा, तो बाद में ये सब लोग बोले अभी हमको भूख लगी है खाना खाने को जाने का है, तो ये होटल में गए और उधर से भाग निकले रात को साढ़े, उसी दिन रात को 3-4 बजे ये लोग भागे, तो लेकिन वो तब दो जन की गाड़ी मिली, बाकी सब गाड़ी उधर थी, उनका मोबाइल सबका जब्त किया था, वो मोबाइल लेने के लिए वो कभी गए नहीं और आज तक उधर जाते भी नहीं। अच्छा, मतलब उरन में इन लोगों ने उरन की महिलाओं और उन लोगों की गांव निवासियों के साथ इन लोगों ने चीटिंग किया था जो अपने ट्विंकल कंपनी और साइटेस कंपनी के द्वारा, तो उस वजह से इन लोगों को एक तरीके से वहां पर घेरेबंदी कर ली गई थी, इन लोगों को एक पकड़ लिया था कि भाई हमारा पैसा हमें रिटर्न करो,
तो ये लोगों को जब घेर बंद करके रखा, एक रोक के रखा, तो खाना खाने के बहाने से ये लोग रात को निकले थे, है ना। और खाना खाने के बहाने फिर वहां से भाग लिए, इनकी गाड़ियां वगैरह सब उन लोगों ने वहीं पर रख ली थी, सिर्फ दो तीन गाड़ी इनको मिली थी, इनके मोबाइल्स वगैरह सब रख लिए थे। ये कब की बात है, मतलब बहाना खाने का, अपनी गाड़ियां छोड़ दी, मतलब ये इस तरीके से ये लोग इतने घिनौने और ऐसे लोग हैं, मतलब इनको हम देशद्रोही क्यों नहीं कहें। वो गरीब लोगों का इन्होंने पैसा लूटा, करोड़ों रुपए, 200 करोड़ की संपत्ति है, पूरे प्रूफ और सबूत है इस मामले में। हम ये मामला तब तक उठाते रहेंगे जब तक इन लोगों का जो फंड है, इन लोगों की ग्रेच्युटी पूरा हमने बना करके दिया है, सब कुछ नेट पर रखा है, वो जब तक इनका मिल नहीं जाएगा तब तक ये मामला उठता रहे, चाहे एक साल चले, चाहे दो साल चले, चाहे तीन साल तक, हम लगातार उठाते रहेंगे। और ये हमें मालूम है कि एक वसूली गैंग चलती है पूरे देश में, जो क्या बोलते हैं, जिनका भरोसा है इन लोगों को उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि वसूली गैंग के सदस्यों को आपने बता रहे थे कि वो लेडी बार में ले जाकर उनको ये करवाते थे, दारू पिलाना और ऐसे कई काम कराना, सरकारी अधिकारियों को इस तरीके के लेडीज बार में, मतलब सरकारी अधिकारियों को लेडीज बार में ले जाते थे, उनको बड़े बड़े गिफ्ट देते थे। ये वसूली गैंग है, मतलब जो जिनके ऊपर इनको भरोसा है, मतलब इतना ओपन होने के बाद भी आज तक ये लोग घबराए नहीं है, इनको डर नहीं है किसी बात का, कोई बात नहीं, हम ये पूरा मामला इनके ही रिश्तेदारों के सामने, सबके सामने ओपन करेंगे, और तब तक ओपन करते रहेंगे जब तक इनका समाज में चलना मुश्किल नहीं हो जाएगा। इनकी वो स्थिति करनी है ऐसे लोगों की जो इस तरीके से हमारे देश के खिलाफ जाते हैं, देश दो ही है असल में, तो संविधान के खिलाफ जाते हैं, संविधान का मजाक उड़ाते हैं ये लोग। पूरे प्रूफ और सबूत मौजूद है, एक एक सबूत है, इंटरनेट पर डले हुए हैं। इस मामले में इन लोगों का जो भी है नुकसान, वो पूरा आज तक और इसके जो भी एक नॉर्मल वो रहता है, जो तरीका होता है सरकारी नियमानुसार, कि जो नुकसान, जो भरपाई इनकी होनी चाहिए, वो पूरी मिलनी चाहिए, वो जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये पूरा मामला चलेगा। जरूरत पड़ेगी इनको, ये सब मामला होने के बाद, हम जानते हैं कि ये जो कंप्लेंट कर दी हमने ईडी आईटी विभाग में, हर जगह करी है, देखते हैं, ये सबके सबको इनको एक्शन लेना पड़ेगा। और जब तक ये लोग एक्शन नहीं लेंगे, और हम ये भी जानते हैं कि वसूली गैंग इन लोगों से बराबर पैसा वसूल करेगी, इनका जो 200 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है ना, ये पूरी संपत्ति ये वसूली गैंग खरीद ले लेगा, छीन लेगा। क्यों? क्योंकि वही खेल हो रहा है ना, इन लोगों, इन्होंने गलत रास्ते से अगर आप पैसा कमाओगे तो वो पैसा इसी तरीके से डूबेगा, इसी तरीके से उसका नष्ट होगा, और ऐसे ही लोग लेंगे, तो यहाँ पर भी वही होगा। हमारी जो कंप्लेंट की गई है, वो कंप्लेंट की वजह से हर एक व्यक्ति इनके पास जाएगा, इनसे पैसा वसूल करेगा, क्योंकि काम तो ये लोग करते नहीं है, सरकारी पैसा देखते हैं कौन करता है। अगर नहीं करेंगे तो हम तो अपना काम करेंगे, हम तो बार बार मामला उठाएंगे, तब तक मामला उठाएंगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक ये मामला उठता रहेगा। बाद में लेबर कोर्ट में जाएंगे, वहां से पूरा पैसा मिलना पड़ेगा, सारे पेपर्स तैयार है, हर चीज तैयार है, ये सब मिलना ही है, इनको मिलेगा ही। और उन लोगों को भी हम चाहते हैं कि आप लोग आवाज उठाओ जिनके साथ इस तरीके का गलत हो रहा है। हम टिमकल कंपनी के जो जिनको लूटा गया है, या सिट्रेक्स कंपनी जो है उनके ग्राहकों को जिनको लूटा गया है, उन सब से हम आह्वान करते हैं कि इनकी 200 करोड़ की संपत्ति पर जाकर बैठ जाओ, क्योंकि वो संपत्ति आपकी, आपके पैसों से लूटी गई है। आप आइए, एक एक सबूत है, इनके खिलाफ खड़े होइए, जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक आप लोगों को इसी तरह लूटा जाता रहेगा। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आप लोग अगर कुछ चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो तो बोलिए, कि आपको यानी जनता को आह्वान कीजिए, जो भी आप कह सकते हो, कि हम जैसों को, जैसे हमारे साथ फर्जीवाड़ा हुआ, वैसा ये जैसे लोग ना करें, इसके लिए इनको किसी तरीके से पनिश करवाया जाए, जो भी आप बोलना चाहो। आज मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, मतलब ये तो एजुकेशन, आपने मेरा केस देखा होगा, केस स्टडी किया, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एजुकेशन का, एजुकेशन फ्रॉड केस है, और ये सब करने के बाद उन्होंने एसीबी इंटरनेशनल स्कूल चालू किया। तो मैं अपने पेरेंट्स से आह्वान करना चाहूंगा, एसीबी इंटरनेशनल स्कूल और प्ले स्कूल के जितने भी पेरेंट्स है, आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, कल आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्या भरोसा कल आप एडमिशन ले लो, ये खुद जब ऐसा काम कर रहे तो बच्चों को क्या सिखा रहे होंगे, ये लोग बच्चों को क्या सिखा रहे होंगे, यही फ्रॉड, यानी उनके बच्चे फ्रॉड करेंगे,
इस तरीके का खेल, तो ये चीजें आप बोल सकते हो, आप बता सकते हो। पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि आप सोच समझ के डिसीजन लो और 10 बार सोचो स्कूल एंट्री करने के पहले, क्योंकि ऐसे अगर मुजरिम अगर घूमते रहेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। कल आपसे वो पैसे लेके किधर भाग गए तो क्या होगा, आपके बच्चे का फ्यूचर खराब हो सकता है। तो इस बार इन जैसे लोगों को आप लोग भी आगे बढ़िए, सजा दिलवाइए, इसमें हम लोगों का साथ दीजिए, है ना। उमेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे, आपसे तो चेक साइन पे करवा के लिए गए हैं और वो चेक उनके पास है, आपने बैंक में क्या लेटर दिया हुआ है खाली, लेकिन चेक है और उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, पुरानी डेट पे डाल करके आपके नाम से वो बनवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं ना। आप बोलिए कुछ। उस वजह से मैंने बैंक में जाके सब प्रोसीजर क्लियर कर लिए, चेक स्टॉप किया है, उसके बारे में आगे जाके मेरे को परेशानी ना हो इसलिए मैंने वो सब मेरा प्रोसीजर करके रखा है, बैंक का स्टेटमेंट ले लिया है, या उन्होंने मेरे पे फ्रॉड केस ना किए, क्योंकि चेक उनके पास है, वो कुछ भी कर सकते कि इसने लोन उठाया है मेरे पास से, इसकी वजह से मैंने भी वो सब मेरी तरफ से पूरी कोशिश की कि प्रोसीजर कंप्लीट किया है कि मेरे को भी आगे जाके फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो मतलब मुख्य चीज ये है कि आपसे ब्लैंक चेक पर साइन करवाए और इस तरीके से कुछ भी किसी के साथ किया जा सकता है, तो ऐसे लोगों को किसी भी हालत में खुला नहीं घूमना चाहिए। मतलब आप बोलिए लोगों से, कहिए कि भाई ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लीजिए, क्योंकि अगर आज कुछ आपके साथ नहीं हुआ गलत, ये अलग चीज है, लेकिन गलत कर सकता था ये सभी, तो ब्लैंक चेक साइन कराना इलीगल है, तो इलीगल है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो आप बोलिए, तो उनके ऊपर भी ऐसा एक्शन होना चाहिए कि बाबा आज उन्होंने मेरे साथ किया, कल और किसी और के साथ ना करें। तो मतलब आप सब लोग मेरा साथ दीजिए ताकि मैं इन जैसे लोगों के खिलाफ खड़ा हो सकूं, इनको सजा दिला सकूं, है ना। इस तरीके से आप अवर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फिर सुनील जी आप भी कुछ बोलना चाहेंगे इस मामले में। मैं सर इतना ही बोलना चाहूंगा कि जैसा हमारे साथ गलत हुआ है वैसा आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए आप हमको साथ दीजिए, आवाज उठाइए और ऐसे दरिंदों को सजा दीजिए। बराबर, तो ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। हम लोग चाहेंगे कि आप सब लोगों को, जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, जो भी ये रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, वो सब लोग इस मामले को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें हमने इन लोगों के रिश्तेदारों के नंबर, हमने पुलिस वालों के नंबर, हमने अपने कई जो नेता लोग हैं उनके सबके नंबर दे रखे हैं, उन नंबरों पर SMS कीजिए। वो छोटा सा SMS हम लोगों ने बनाकर जो दिया है, उस SMS को कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मामले में अवेयरनेस हो सके और इनको सजा दिलाई जा सके। धन्यवाद।